हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बी हियर। आज हम डिस्कस करेंगे ओजेनेसिस के बारे में। ओजेनेसिस एक प्रोसेस है जिसके अंदर मैच्योर ओवम का डेवलपमेंट होता है। अब ये जो प्रोसेस है ओजेनेसिस की, ये फीमेल के अंदर उनकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में शुरू हो जाता है। थर्ड वीक के अंदर यॉर्क सैक में प्रिमिटिव जर्म सेल्स ओरिजिनेट होती है, और अब फोर्थ वीक के अंदर ये प्रिमिटिव जर्म सेल्स माइग्रेट होती है फीमेल गोनेट्स में, यानी फीमेल रिजस के अंदर। वहाँ जाने के बाद में, यानी ओवरीज में पहुँचने के बाद में, इन प्रिमिटिव जर्म सेल्स के अंदर रैपिड माइटोटिक डिवीजन होता है, यानी समसूत्री विभाजन होता है। एक से दो सेल बनेगी। अब धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ना शुरू होती है, ठीक है। तो अब प्रिमिटिव जर्म सेल्स जो होती है, इसके अंदर माइटोटिक डिवीजन होने के बाद में हमें जो सेल्स मिलती है उसे हम कहते हैं ओगोनिया। 20th वीक ऑफ जेस्टेशन, यानी 20th वीक ऑफ जेस्टेशन में इनकी संख्या लगभग 7 मिलियन होती है, यानी 70 लाख होती है। बहुत से ओगोने जो है आगे जाकर कंटिन्यू डिवाइड होते रहते हैं और इनकी संख्या बढ़ाते रहते हैं। अब इन ओगोने के अंदर मियोटिक डिवीजन शुरू होगा, और ये ओगोने जो है फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन के अंदर एंटर होते हैं। म्यूटिक डिवीजन के अंदर अलग अलग फेज होते हैं, टोटल 4 फेजेस के अंदर, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। अब जो ये ओगोने जो है वो फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन की फर्स्ट जो फेज है प्रोफेज के अंदर ये एंटर होते हैं। अब जैसे ही ओगोनिया फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन की प्रोफेज फेज के अंदर एंटर होते हैं, अब इन्हें हम कहेंगे प्राइमरी ओसाइट। प्राइमरी ओसाइट्स के चारों तरफ फ्लैट सेल्स की कवरिंग होती है। अब इस पूरी स्ट्रक्चर को हम कहेंगे प्राइमोर्डियल फॉलिकल। ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल ओवरी के कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं। आफ्टर बर्थ जर्म सेल में कोई माइटोटिक डिवीजन नहीं होता है, और जितने भी ओगोने थे सारे के सारे प्राइमरी ओसाइट के अंदर रिप्लेस हो जाते हैं। और ये जो प्राइमरी ओसाइट है, इन्होंने अपनी फर्स्ट फेज को कंप्लीट कर लिया, यानी प्रोफेज को कंप्लीट कर लिया है, और अब ये प्रोफेज और मेटाफेज के बीच की जो स्टेज है डिक्टोटिन स्टेज में, वहाँ जाके अभी क्या हो जाएंगे, रेस्ट करेंगे। अब इन प्राइमरी ओसाइट की संख्या जो है बर्थ के समय लगभग 20 लाख होती है, यानी 2 मिलियन होती है। प्यूबर्टी स्टेज में ही प्राइमरी ओसाइट का फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन कंप्लीट होता है। बर्थ के समय फीमेल की ओवरीज में लगभग 2 मिलियन प्राइमरी ओसाइट होते हैं, लेकिन प्यूबर्टी स्टेज तक पहुँचने के बाद में इनकी संख्या लगभग 4 लाख रह जाती है। बाकी जितने भी ये सारे क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब या फिर अट्रैक्ट हो जाएंगे। इनमें से सिर्फ 400 ही ऐसे प्राइमरी ओसाइट है जो ओवुलेट हो पाएंगे। प्यूबर्टी के बाद में हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में सिर्फ एक ही प्राइमरी ओसाइट मैच्योर होके ओवुलेट हो पाएगा। अब इन प्राइमरी ओसाइट का मैच्योरेशन जो है ओवुलेशन से कुछ समय पहले शुरू होता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद में ही हमें जो है फाइनल मैच्योरेशन मिलेगा। ओवुलेशन से कुछ समय पहले इस प्राइमरी ओसाइट के अंदर फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन कंप्लीट होता है, जिससे हमें एक सेकेंडरी ओसाइट और एक पॉलर बॉडी मिलती है। जैसे ही फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन कंप्लीट होता है तो ओवुलेशन शुरू हो जाएगा। अगर ओवुलेशन के बाद में सेकेंडरी ओसाइट स्पर्म के साथ में फर्टिलाइज होता है, तो उस फर्टिलाइजेशन के बाद में सेकेंड म्यूटिक डिवीजन कंप्लीट होगा, और इस सेकेंड म्यूटिक डिवीजन के कंप्लीशन के बाद में हमें एक मैच्योर ओवम और सेकेंडरी पॉलर बॉडी मिलती है। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो इस सेकेंडरी ओसाइट मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ में बाहर आ जाएगा। तो हमारे सामने ये स्कीम है, और इस स्कीम से हम वापस एक बार रिव्यू करते हैं कि किस तरीके से जो है ये ओजेनेसिस कंप्लीट होता है। तो ओजेनेसिस जो है ये फीमेल के अंदर एम्ब्रियोनिक स्टेज में शुरू हो जाता है, जिसके अंदर जर्म सेल्स जो होती है उसके अंदर रैपिड माइटोटिक डिवीजन होता है, जिससे हमें मिलता है ओगोनिया। अब क्या होता है, ओगोने मिलने के बाद में इस ओगोने के अंदर क्या होता है, फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन शुरू होता है। जैसे फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन शुरू होगा, उसकी फर्स्ट फेज प्रोफेज में एंटर होता है, तो अब हम इसे कहेंगे प्राइमरी ओसाइट। अभी जो प्राइमरी ओसाइट है ओवुलेशन से पहले इसके अंदर फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन कंप्लीट होता है, जिससे हमें मिलती है एक सेकेंडरी ओसाइट और एक मिलती है फर्स्ट पोलर बॉडी। अगर ओवुलेशन के बाद में सेकेंडरी ओसाइट फर्टिलाइज होता है तो सेकेंड म्यूटिक डिवीजन कंप्लीट होगा, जिससे हमें फीमेल प्रो न्यूक्लियस और सेकेंड पोलर बॉडी मिलेगी। और अगर ओवुलेशन के बाद में ये सेकेंड ओसाइट फर्टिलाइज नहीं होगा, तो ये 24 आवर्स के अंदर डीजनरेट हो जाएगा और मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ में बाहर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं एक मैच्योर ओवम के स्ट्रक्चर की।
तो एक फुली मैच्योर ओम जो होता है वो बॉडी की लार्जेस्ट सेल है, यानी इसका डायमीटर लगभग 130 माइक्रोन होता है। एक फुली मैच्योर ओम साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस से बना होता है, जिसके अंदर टोटल 23 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से 22 तो होते हैं ऑटोसोम्स और एक होता है सेक्स क्रोमोसोम एक्स। ठीक है, फीमेल के अंदर एक्स होता है और मेल के अंदर वाई। ओके, तो ओम जो होता है वो चारों तरफ से एक सेल मेम्ब्रेन से कवर होता है, जिसे हम कहते हैं वाइटलिन मेम्ब्रेन, और उसके बाहर एक ट्रांसपेरेंट म्यूकोप्रोटीन का एनवलप होता है, जिसे हम कहते हैं जोना पेलुसिडा, और इस जोना पेलुसिडा के अंदर टाइनी होल्स होते हैं। वाइटलिन मेम्ब्रेन और जोना पेलुसिडा के बीच में एक नैरो स्पेस होता है, जिसे कहते हैं पेरिविटेलिन स्पेस, और इस स्पेस के अंदर पोलर बॉडीज प्रेजेंट रहती है। एक मैच्योर ओसाइट फॉलिकल से एस्केप होने के बाद में इसके चारों तरफ ग्रैनुलस सेल्स जो होती है वो कवर कर लेती है, जिसे हम कहते हैं कोरोना रेडिटा, और ये डेरिव्ड है कुमुलस ओफोरस से। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट हम वीडियो लेकर आएंगे स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। Oh.